नमस्कार। गुनाह की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत कुमार। एक पीड़ित परिवार 3 साल से इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन आरोपी अभी भी बाहर घूम रहा है। तो एक बाप अपने बेटे की तलाश में भटक रहा है, लेकिन यह कोई आम मसला नहीं है। जो बेटा लापता है वो भारतीय सेना में कैप्टन है। अब सेना का एक अधिकारी लापता हो जाए और उसके बारे में कोई सुराग पता नहीं चले, यह गंभीर मसला है। आपको याद होगा पठानकोट हमला। जी हां, पठानकोट के मामले में ऐसा ही हुआ था। हमले के पहले एक एसपी को किडनैप कर लिया गया था। क्या यह एक बड़ी साजिश है या फिर कुछ और, बताएंगे पूरी बात। देखते रहिए आपका अपना शो पूर्वेक्रम स्पेशल। उन गुंडों की कारस्तानी सीसीटीवी में कैद हो जाती है। वो घर से लोगों को बाहर निकालने आए थे, लेकिन फिर उल्टे बदमाशों को ही भागना पड़ा। अचानक एक गेट पर गुंडे धावा बोल देते हैं। सबसे पहले बंद गेट को गुंडे तोड़ना शुरू कर देते हैं। गुंडों की संख्या 20 से ज्यादा रही होगी। वो अपने घिनौने इरादे को लेकर एक घर पर धावा बोल देते हैं और फिर जब सामने में गेट बंद मिलता है तो सबसे पहले गेट को ही तोड़ने लगते हैं। जमकर तोड़ फोड़ मचाते हैं। घंटों ये गुंडे अपनी गुंडाई दिखाते रहे, लेकिन उन सबका खौफ ऐसा कि आसपास का कोई भी शख्स इन गुंडों की मुखालफत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और इसका नतीजा ये होता है कि ये गुंडे अपनी हैवानियत दिखाते रहते हैं, लेकिन इनकी हरकतें सीसीटीवी में कैद होती रहती हैं। ये तस्वीरें दरभंगा जिले से सामने आई हैं। जिस वक्त घर पर अपराधियों ने धावा बोला था, उस समय घर के अंदर केवल 2 महिलाएं थी और काम कर रहा एक मजदूर था। लेकिन महिलाओं ने भी हिम्मत नहीं हारी। महिलाओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और फिर गुंडों को वापस भागने पर मजबूर होना पड़ा। हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये बताते हैं कि मामला क्या है। दरभंगा जिले के लहरिया सराय थाना इलाके के महासेठ कॉलोनी का मामला है। मिल रही जानकारी के मुताबिक जिस घर में परिवार रहता है उस जमीन पर भू माफियाओं की नज़र है। वो उस जमीन को हड़पना चाहते हैं और उसी इरादे से भू माफिया के शह पर कुछ गुंडे लाठी और डंडे साथी हथियार से लैस होकर पहुंच जाते हैं ताकि वो घर को खाली करा सके। लेकिन गुंडों को गेट बंद मिलता है तब फिर दिन के उजाले में जबरन दरवाजे को तोड़कर लाठी डंडा लहराते हुए गुंडे घर में घुस जाते हैं। घर में मौजूद महिलाएं मिर्ची पाउडर लेकर गुंडों की आंखों में डालती रहीं, लेकिन इन सब के बीच गुंडे घर में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए, घर में पड़े सभी सामानों को भी तोड़ दिया। डरी सहमी महिलाओं ने एक बार फिर से अपराधियों की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंकना शुरू कर दिया। धमकाता था, जब लोग घर खाली कीजिए नहीं तो हम जान से मार देंगे, आके गाली गलौज करता था। तो उसके लिए हम लोग थाना को भी इन्फॉर्मेशन दिया, सनहा भी दिए हुए थाना में। और आज क्या किया है तो आया है 25-30 यहाँ पर आकर के मेरा गेट तोड़ दिया, गाली दिया, घर तोड़ दिया, कहता है आप लोग चुप रहिए नहीं जान से मार देंगे। इस बीच किसी ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दे दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन पुलिस के आते ही ज्यादातर गुंडे मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन जिन गुंडों की आंखों में मिर्ची लगी थी वो भाग नहीं पाए और फिर वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी गुंडों की पहचान कर गिरफ्तारी करने का दावा कर रही है। एक गैंग द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने की का मामला पता चला, जिसमें लहरिया से आया थाना का पेट्रोलिंग पार्टी तो है, तो वहाँ पर स्पॉट पर पहुँचा, वहाँ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामला यह था कि ये लोग घर में घुस के घर में रहने वाले लोगों के साथ मारपीट करके घर को खाली करवाना चाहते थे। इसमें FIR दर्ज करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है। अब देखना है कि पुलिस बाकी गुंडों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है, लेकिन मामला जमीन कब्जे का बताया जा रहा है, लिहाजा पीड़ित परिवार को सुरक्षा का भी आश्वासन मिलना चाहिए ताकि फिर वो ऐसी दहशत और जुल्म का शिकार ना हो। मुकेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, दरभंगा। वो आर्मी में कैप्टन है, जम्मू में तैनात है, लेकिन वो लापता हो जाता है। कटिहार से दिल्ली के लिए ट्रेन में सवार हुआ था, लेकिन वो दिल्ली पहुंच नहीं पाता, बीच रास्ते से ही कहीं लापता हो जाता है। कैप्टन शिखरदीप सेना में काम करते थे, भारतीय सेना के साथ थे, और इनका कोई जाति दुश्मनी मुझे समझ में नहीं आता। बंदा यहाँ रहा ही नहीं है, हर समय बाहर ही इन्होंने स्कूलिंग और बोर्डिंग की है, और वो फौज में काफ़ी दिनों से कार्यरत, सीमांचल का इलाका है,
कुछ भी संभावनाएं हो सकती है। बस हमें तो ये चाहिए कि हमारा हमें मिल जाए, और हमें जीआरपी से बोलूंगा कि 72 घंटे से ज्यादा हो गए, देश के दुश्मन लोग भी इंटरफेयर कर सकते हैं, हो सकता है कि ये साजिश हो किसी तरह प्रकार की। पठानकोट हमले के बाद ऐसी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। सेना का एक कैप्टन लापता है और उसका कुछ पता नहीं चल पाता। हम आपको पूरा मामला बताते हैं। कटिहार स्टेशन से महानंदा एक्सप्रेस के EB1 कोच में कैप्टन शिखरदीप सवार हुए थे। कैप्टन शिखरदीप कटिहार में अपने घर पर छुट्टियां बिताने आए हुए थे और फिर छुट्टियों के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। कैप्टन शिखर की तैनाती फिलहाल जम्मू कश्मीर में है और वो वहीं जाने के लिए महानंदा एक्सप्रेस में सवार हुए थे। महानंदा से दिल्ली और फिर दिल्ली से जम्मू जाना था, लेकिन कैप्टन शिखर दिल्ली नहीं पहुंच पाते। अनफॉर्चुनेटली जब दिल्ली गाड़ी पहुंची और मेरे एक नेफ्यू ने उस कूपे में जाकर देखा तो सामान हैफ हैजार्ड स्टेट में मौजूद था, जिसे लगा कि उस सूटकेस को किसी ने खोल के उथल पुथल किया था, बट मेरा बेटा उसमें नहीं पाया गया, वहाँ मौजूद नहीं था, केवल सामान था। इसकी सूचना तुरंत वहाँ के GRP को दिया गया। कैप्टन शिखरदीप महानंदा एक्सप्रेस की EB1 बोगी के बर्थ नंबर 14 पर सवार हुए थे। ट्रेन के पेंट्री स्टाफ और बेडरोल की सेवा देने वाले लोगों की बात माने तो मिर्जापुर तक शिखरदीप को देखा गया था। हम लोग का 14 नंबर कटिहार से चले, कटिहार से पहले हम लोग सर्विस अति कर दिए, वहाँ का कोई अति नहीं था सर। उसके बाद हम लोग जो है सो मिर्जापुर से सर्विस किए, दिखाई नहीं पड़े हम लोग। 14 तारीख के रात में जी नहीं, 7 तारीख बर्थ से 3 पैकेट खाना मिला तो यहाँ से लिए होंगे साथ में सर। हम लोग को खाना का नहीं है, उसमें मात्र 19, 20, 21 में 5 खाना है और 18 नंबर पर 1 खाना था, जो कि वो खाना नहीं लिए, कटिहार से बाहर वाले से खाना ले लिए। आया था टीटी बोला जे वो आदमी को एक तो भेज दे दो, तो वो जो बैठा है उसको भैया उनके भेज दे दो, हम दे दिया है। ये 14 में ये कौन सा बोगी है? AC 2 टायर AB1 तो कौन चढ़ा हुआ था 14 नंबर पता? कैप्टन शिखर। तो फिर क्या हुआ उस दिन? उस दिन हमको पता नहीं है। कहाँ उतरा वो? उतरा तो ही नहीं, हम तो देखा था जो कानपुर। ट्रेन जब दिल्ली पहुंची तो बर्थ पर शिखर के आई कार्ड सहित उनके सामान थे, लेकिन शिखर जाने कहां लापता हो गए थे। उसके बाद से लगातार शिखर की तलाश की जा रही है, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया है। कैप्टन शिखर का मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। ऐसे में कई सवाल और संदेह खड़े हो रहे हैं। फौज में आर्मी ऑफिसर है, फिलहाल जम्मू में पोस्टेड है। वो छुट्टी पे घर आया हुआ था और अपनी छुट्टी काट के वापस जा रहा था। कटिहार रेलवे स्टेशन से उसने महानंदा एक्सप्रेस में अपनी सीट रिजर्व कराई थी और 6 तारीख को 7 बजे महानंदा एक्सप्रेस से वो पुरानी दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, जहां से उसने फर्दर ट्रेन पकड़कर जम्मू जाना था, अपनी यूनिट में आफ्टर छुट्टी जो है उसने ज्वाइन करना था। परिजनों ने इस बारे में रेलवे को ट्वीट कर जानकारी भी दी। रेलवे ने संबंधित DRM को भी जानकारी दी, लेकिन लापता कैप्टन का कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया। परिजनों ने कैप्टन शिखर के लापता होने का मामला दर्ज करा दिया है। ट्रेन भी आई है, उसके कोच अटेंडेंट जो ले गए थे ट्रेन को वो लौट भी रहे हैं। उनका जो बयान है वो बता रहे हैं कानपुर तक हम उनको देखे थे, जब वह नहीं मिले उसके बाद हमने और TT साहब को बताया जो वह नहीं है, तो बोले कहीं सो गए होंगे, इस तरह की बात आ रही है। लेकिन हम लोग 100% उनके बयान पर भी रिलाय नहीं कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। इनकी और भी कई लोगों से बातचीत हुई है, जो कैप्टन आप शिखर जो जा रहे थे उनकी कई लोगों से बातचीत हुई है, उसका भी CDR हम लोगों ने ले रखा है, उसका एनालिसिस कर रहे हैं और बहुत जल्द ही हम लोग। पुलिस ने शिखर की तलाश शुरू कर दी है। कैप्टन शिखर के मोबाइल कॉल को भी खंगाला जा रहा है और CDR यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट का पुलिस अध्ययन कर रही है। शुरुआती जांच में पुलिस के मुताबिक
कैप्टन शिखर के कानपुर तक होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो कहां गए पता नहीं चल पा रहा। इसके संदर्भ में हम लोगों ने जो कार्रवाई की है उसमें आपका टीटी है, कोच अटेंडेंट है, को पैसेंजर्स हैं, प्लस जिसने उन्हें डिनर प्रोवाइड करता है, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है महानंदा में आपका पेंट्री नहीं है, वह सप्लाई बाहर से की जाती है। हम लोगों ने मोबाइल लिया है, इनका मोबाइल का CDR भी लिया है, कुछ लोगों का कैब भी लिया है, और हम उसमें तहकीकात कर रहे हैं और बहुत जल्द ही इस पर निष्कर्ष पर हम लोग पहुँच जाएंगे। अब देखना है कि पुलिस कैप्टन शिखर को कब तक खोज निकालती है। मामला संवेदनशील है और पुलिस को इस बारे में काफी तेजी से जांच करनी होगी। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। चोरों ने ATM मशीन पर धावा बोला और फिर वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। चोरों ने जहां वारदात को अंजाम दिया वो जगह थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर है। टूटे हुए ताले, टूटी हुई मशीन और बिखरा पड़ा ATM। चोरों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। एक ATM मशीन को तोड़कर चोरी करने में चोर कामयाब हो गए और ये बिखरे सामान चोरों की करतूत को बयां कर रहे हैं। चोरी की यह सनसनीखेज वारदात जहानाबाद से सामने आई है। जिले के काको थाना इलाके के हाटी बाजार में स्टेट बैंक है। बैंक के पास ही उसका ATM सेंटर था। मंगलवार की रात अपराधियों ने ATM सेंटर पर धावा बोला और फिर जमकर लूटपाट की। गौर करने वाली बात यह है कि बैंक की सुरक्षा में 4 होमगार्ड भी तैनात होते हैं, लेकिन रात में वो कैसी सुरक्षा कर रहे थे ये एक बड़ा सवाल है। चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल करते हुए पहले ATM मशीन को काटा। ATM मशीन के डिस्प्ले को छोड़कर उसका निचला हिस्सा गैस कटर की मदद से काट डाला गया। डिस्प्ले के नीचे वाले बॉक्स में ही सारा कैश होता है। जाहिर है जब ATM में कैश भरा होगा तो उसका वजन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में इतनी भारी मशीन को उठाने के लिए कम से कम 6 से 7 लोगों की जरूरत हुई होगी और इतनी भारी मशीन को ले जाने के लिए गाड़ी भी चाहिए। अब सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर चोरों ने काम को अंजाम दे डाला तो सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे थे। इतना ही नहीं, जिस जगह चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है वो जगह थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो जाते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता, ये चौंकाने वाली बात है। ATM निकाल के ले गए हैं, जिसमें से कुछ पैसा गया है, अभी वो चिन्हित करके बता रहे हैं कितना पैसा गया है। कितना था लगभग सर, क्या बता रहे हैं? लगभग 10 लाख के आसपास बता रहे हैं तुम्हारे, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कितने बजे घटना सर? घटना का अभी पता नहीं चल रहा है कितने बजे की है, क्योंकि गश्ती बताई गई है कि गश्ती यहाँ से 12 बजे के आसपास यहाँ से गुजरी है, उसके बाद ही की घटना है। सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चोरों ने चोरी को अंजाम देकर लाखों रुपए पर अपना हाथ साफ कर दिया वो भी बेहद चौंकाने वाली बात है। चोरों ने ATM को ही तोड़ डाला और उसमें रखे लाखों रुपए पर अपना हाथ साफ कर दिया, लेकिन शहर में ऐसी घटना ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उसमें हमको लगता है कि 5-6 आदमी से आया होगा और लोगों को ऊपर का काट करके देख रहे हैं कि जो स्क्रीन है जिस पर अपने लोग फिंगर यूज करते हैं वो स्क्रीन छोड़ दिया है। अब देखना है कि पुलिस के हाथ चोरों तक कब पहुंचते हैं। एक और बात गौर करने वाली है, वो ये कि जहानाबाद के लगभग सभी बैंकों के ATM सेंटर पर सुरक्षा गार्ड नहीं होते। ऐसे में बैंकों की सुरक्षा कौन संभालेगा? क्या चोर दोबारा किसी बैंक को अपना निशाना नहीं बनाएंगे? कहना मुश्किल है, लेकिन बैंक और उनके ATM सेंटर सुरक्षित रहें ये सुनिश्चित करना पुलिस और बैंक प्रबंधन दोनों की जिम्मेदारी है। अजीत कुमार, जी मीडिया, जहानाबाद। बोकारो में पुलिस और CRPF के ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया, वहीं कुछ और नक्सलियों के मारे जाने और घायल होने की आशंका जताई जा रही है।
पुलिस ने एक महिला नक्सली को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार समेत कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। यानी कि बहुत दिन से लोग पहाड़ और झुमरा में जो बेस बना के रखे हुए थे, तो उनको सूचना मिला था कि जो एक संदिग्ध जगह पर वहाँ पर वो लोग आने की सूचना था, तो उसी में ऑप्स प्लान जो है इसमें कोबरा और CRPF और जिला पुलिस जो है तीनों जॉइंट ऑपरेशन बना कर ये जो है नक्सल मुठभेड़ हुआ है। सहरसा में अपराधियों ने एक डॉक्टर से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी है। डॉक्टर का नाम आईडी सिंह बताया जा रहा है। अपराधियों ने रंगदारी की रकम फोन के जरिए मांगी है। रंगदारी की रकम नहीं देने पर अपराधियों ने डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी है। डॉक्टर ने सदर थाने में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है। फोन आया हमको, बोला आईडी बाबू बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं, बोलिए क्या बात है। तो हमको 1 करोड़ रुपया जो है पटेल मैदान में कल जो है सो शाम तक पूरा बारा रोड है उसमें पहुँचा दीजिए। हमने पूछा भाई कौन बोल रहे हो, तो बोला कि मेरा नाम सम्राट, और पैसा नहीं दीजिएगा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। कौन है सम्राट ये जान लीजिएगा। फारबिसगंज के हरिपुर पंचायत में एक युवक ने अपने पिता की स्वाभाविक मौत को हत्या बताने के लिए साजिश रची और इसके लिए अपने मृत पिता के गले में धोती बांध दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने गांव के 4 लोगों पर गला घोंटकर हत्या करने का शक जताया, लेकिन जब गले में बंधी धोती को खोला गया तो वहां कोई निशान नजर नहीं आया। मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो साजिश का पर्दाफाश हुआ। मृतक के बेटे ने बताया कि पुरानी दुश्मनी को लेकर गांव के 4 लोगों को फंसाने के लिए उसने साजिश रची थी। पुलिस ने मृतक के बेटे और उसके 2 सहयोगियों को हिरासत में ले लिया है। नालंदा के गिरियक में नाबालिग छात्रा को बेचने और रेप करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है एक महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग छात्रा को बहला फुसला कर गिरियक ले गई और फिर उसे 30,000 रुपए में एक शख्स को बेच दिया। नाबालिग के साथ शख्स ने 2 दिनों तक दुष्कर्म किया। छात्रा किसी तरह उसके चंगुल से निकलकर घर पहुंची और अपने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस पीड़िता की मेडिकल जांच के बाद मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला पहले भी सेक्स रैकेट मामले में कई बार जेल जा चुकी है। हम आते रहेंगे सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे गुनाह के चेहरों को उजागर करने और आपको सावधान करने, ताकि आप महफूज रहें। इस वक्त इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी पुरवैया, जहां खबरों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है।